सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है और उसको अगर हम डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या स्टेप है। सो इस वीडियो में आपको प्रॉपर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो है स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, और साथ के साथ इस वीडियो में जो है मैं आपको रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको गिट पे कैसे डालना है पहले वो देखेंगे, और आफ्टर डैट जो है हम डिप्लॉयमेंट की तरफ जो है बढ़ेंगे। अगर आपको पहले से आता है कि गिट पे हम जो है कैसे कोई कोड को पुश करते हैं और वहाँ पर रेपो वगैरह बना के अगर कैसे ये सब काम करते हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को जो है स्किप भी कर सकते हो। और अगर आपको ये पार्ट नहीं आता है तो आप जो है हमारे साथ हर एक चीज़ इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखने वाले हो। सो इनको समझने के लिए, आई मीन टास्क को करने के लिए, हमारे पास अभी फ़िलहाल एक रिएक्ट का सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने नथिंग फैंसी, यहाँ पर एक होम पेज है जहाँ पर आपको होम पेज दिखेगा। अगर अबाउट पर आते हो तो अबाउट पेज भी दिखेगा, और कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, आपको कॉन्टैक्ट भी दिखेगा। अगर आप यहाँ पे ऊपर में URL चेक कर पा रहे हो तो ये जो है रिएक्ट राउटर वर्जन 6 भी मैंने यहाँ पे यूज किया है, जिसके थ्रू जो है हम राउटिंग कर सकते हैं। क्योंकि राउटिंग के लिए जो है, अगर हम किसी प्रोजेक्ट में, और इन जनरल अगर आप मीडियम या अच्छे खासे प्रोजेक्ट पर काम करते हो रिएक्ट के, तो वहाँ पर आपको जो है राउटिंग आना ही चाहिए, और उस प्रोजेक्ट में हम राउटिंग यूज करते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप राउटिंग यूज करते हो तो उसका जो वे है डिप्लॉय का वो थोड़ा सा अलग होता है। तो उन चीज़ों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उनसे पहले हमें कुछ काम जो है यहाँ पे करना होगा। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं खुद से नहीं करने वाला हूँ, हर एक चीज़ इन डिटेल में यहाँ पे जो है हम चेक करेंगे। सो एक न्यू टैब ले रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं करूँगा रिएक्ट प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट सर्च करूँगा। देखो ये क्रिएट रिएक्ट ऐप, आई मीन जो रिएक्ट का डॉक है, आई मीन डॉक्यूमेंटेशन है, उन्होंने खुद बता रखा है कि स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे जो है हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट के लिए जो है डाल सकते हैं, आई मीन डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में जो है हमारा जो डिप्लॉयमेंट होगा वो गिटहब के पेज पर होगा। अब देखो, डिप्लॉयमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड है, आई मीन डिफरेंट वे हैं, डिफरेंट सर्विसेज आपको अवेलेबल है, वहाँ पर जाके जो है आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्री में अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करना चाहते हो और उसको होस्ट करके अगर आप अपने रिज्यूम वगैरह में ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है यहाँ पे आपको देखो गिटहब पेज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर भी कर सकते हो। फायरबेस भी आपको ये चीज़ें जो है अवेलेबल कराते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। राइट साइड में आपको देखो ये सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू जो है आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो, और उनका डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना है। मैं गिटहब के पेज पे जो है डिप्लॉय करने वाला हूँ। गिटहब का जो है एक पेज आता है जहाँ से जो है हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, तो इस वाले पे जो है मैं सिंपली क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो है हमें हर एक चीज़ इन डिटेल में बताया कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें जो है होम पेज ऐड करना होता है। होम पेज बेसिकली मेरे package.json के अंदर जाके जो है ऐड होगा, और इस होम पेज में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है गिटहब का कुछ डाल रखा है, और ये बेसिकली आपके गिटहब का जो है रेपो का जो है लिंक होता है। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि एक रेपो जो है यहाँ पे क्रिएट करना है। सो रेपो क्रिएट करने के लिए मैं ऑलरेडी गिटहब के अकाउंट पे यहाँ पे लॉग इन करके रखा हूँ। आई एज्यूम कि आपने भी किया होगा और आपके पास भी गिटहब का अकाउंट होगा। अगर नहीं है तो आप सिंपली कुछ स्टेप फॉलो करके जो यहाँ पे बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम एक रेपो बनाते हैं, फ्रेशा रेपो। सो न्यू रेपो पे क्लिक करूँगा तो हमारा रेपो का जो भी नाम है वो नाम जो यहाँ पे दे देता हूँ, डिप्लॉय रिएक्ट, ऐसा मैं अभी सिंपल डमी नाम दे रहा हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, देन कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो वो, और पब्लिक या प्राइवेट जो भी है आप वो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पे जो है क्लिक करना। देखो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, विच इज ऐड अ रीडमी फाइल, आप इसको ऐड भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको क्लिक आउट नहीं करता हूँ, इससे क्या होगा कि हमें गिट जो है कुछ कमांड प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने कोड को यहाँ पे पुश कर सकते हैं, राइट। सो इसको टेक आउट नहीं करते हैं और सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पे जो है क्लिक करेंगे तो गिट का एक रेपो बनेगा। और यहाँ पे हमें जो है इन्होंने क्विक सेटअप के लिए बताया कि आपको क्या क्या करना होगा। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे आप चेक करोगे तो हमें जो है गिट इनिट करना होता है, और ये चीज़ हम कहाँ पे करेंगे तो VS कोड के थ्रू जो है हम ये काम कर सकते हैं। सो एक साइड जो है मैं अपने इस कमांड को लेकर आता हूँ, और एक साइड जो है VS कोड को जो है मैं ओपन करूँगा, और कोड को फिलहाल मैं साइड करता हूँ और टर्मिनल ओपन करूँगा। तो टर्मिनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, न्यू टर्मिनल ले लेना। ओके, सो टर्मिनल ओपन हो चुका है, और इन्होंने जो जो स्टेप आपको बताए वो स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि आपके लोकली सिस्टम में जो है गिट लैब इंस्टॉल होना चाहिए। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो विंडो यूज़ कर रहे हो तो सिंपली उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके और देन जो है लॉग इन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्टेप है जहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और देन पासवर्ड वगैरह डाल के जो है लॉग इन कर सकते हो इस गिट के अकाउंट पे। मेरे केस में ऑलरेडी गिट यहाँ पे लॉग इन है, तो मैं डायरेक्ट जो है इन स्टेप को फॉलो करने वाला हूँ।
अगर आप में गिट लॉगिन नहीं है, गिट लैब नहीं है, तो आप जो उनको एक बार इंस्टॉल करना, आफ्टर लॉगिन के बाद जो है आप इन प्रोसेस पे आना। सो सबसे पहला जो मेरा कमांड है वो है गिट इनिट, विच इज़ अ इनिशियलाइजेशन, जो कि हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। सो बेसिकली पहले ही मैंने इनिशियलाइज किया था, दैट्स वाई हमें यहाँ पे री इनिशियलाइजेशन आ रहा है। सो डोंट वरी, चलो गिट मेरा जो इनिशियलाइज हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आप चेक करोगे तो इन्होंने कहा है कि ऐड रीडमी फाइल, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। चलो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट चीज़ें कि कमिट करना है। सो कमिट से पहले जो है हमें अपने फाइल को अपलोड करना होता है, ऐड करना होता है। सो यहाँ पे अगर आप फाइल चेक करोगे तो ये सारे जो है हमारे पास फाइल है। ध्यान यहाँ पे आपको एक चीज़ और देना है, गेट इग्नोर के अंदर आओगे तो ये डिपेंडेंसी जो है आपके अंदर होना चाहिए। एक फाइल जो है हमारा गिट इग्नोर करके आता है, जिसके अंदर जो है हम जो चीज़ें जो है अपने गिट पे नहीं डालना चाहते। अभी यहाँ पे आप चेक करोगे तो नोड मॉड्यूल का जो हमारा फाइल है वो काफ़ी हैवी फाइल है, इसके अंदर सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। सो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि उस पैकेज को जो है अपने गिट पे लेके आऊँ। सो दैट्स वाई हम इस नोड मॉड्यूल के जो भी फाइल है इसको लोकली, आई मीन हमारे लोकल सिस्टम पे होगा बट वो गिट पे जो है नहीं जाएगा। सो इसलिए जो है यहाँ पे आप वो सारे डिपेंडेंसी या फोल्डर अपलोड करोगे जिसको जो है गिट पे नहीं डालना है। दैट मीन्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो इन्फॉर्मेशन, लाइक डॉट एन वी फाइल भी हम नहीं डालते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम वहाँ पे नहीं डालते। फिलहाल मेरे केस में जो है नोड मॉड्यूल का फाइल जो है वहाँ पे नहीं जाएगा, और ये दो कुछ फाइल है जो कि मैं पास नहीं करना चाहता, तो ये चीज़ें जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। सो गिट इग्नोर का फाइल जो है होना बहुत ही ज़रूरी है। सो अगर ये है तो देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, विच इज़ अ गिट ऐड डॉट करेंगे, तो जो भी कमिट है बेसिकली वो हमारा ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे गिट स्टेटस करोगे तो देखो ये सारे जो फाइल है वो हमारा जो है स्टेज के लिए आ चुका है। अब नेक्स्ट काम जो है हमें कमिट डालना होता है। सो गिट ऐड हो चुका है, अब कमिट करेंगे। क्लियर कर लेते हैं अपने टर्मिनल को। कमिट के लिए सिंपली गिट कमिट हाइफन एम और जो भी मैसेज आप पास करना चाह रहे हो। सो यहाँ पे फिलहाल मेरे केस में मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट मैं कमिट, तो ऐसा, या जनरली हम जो है जो भी फीचर्स पे काम करते हैं उस फीचर्स का नाम देते हैं। सो फिलहाल मैं फर्स्ट कमिट के साथ ही जा रहा हूँ, ऐसा ही मैसेज पास करता हूँ। तो ये कमिट भी हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें करना होता है कि एक ब्रांच को जो है क्रिएट करना होता है। सो यहाँ पे गिट ब्रांच करूँगा और ब्रांच का जो भी नाम है वो ब्रांच का नाम जो यहाँ पे आप पास करोगे तो ब्रांच जो है क्रिएट हो जाएगा। और ब्रांच क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट काम है कि हमें अपने लोकल, अभी जो भी चेंजेज हुआ है, जो भी आपने गिट कमिट या ऐड किया है, वो आपके लोकल गिट पे जो है अवेलेबल हो चुका है। अब इसको जो है आपको अपने रेपो, जो यहाँ पे आपने रेपो बनाया है गिटहब पे आके, उस रेपो के साथ जो है हमें लिंक करना होता है। और उसको लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ओरिजिन में जो है बेसिकली आपके रेपो का जो भी लिंक होगा वो जो है पास करोगे। सो यहाँ पे इन्होंने कमांड भी दे रखा है, यू कैन गो थ्रू विद दिस कमांड। सो यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट जो है यहाँ पे मैं करूँगा। सो अभी क्या हुआ, हमारा जो लोकली जो भी डेटा है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी जो गिट पे जो भी लोकल चेंजेज होगा या जो भी है वो सारा कनेक्ट हो चुका है इस पे। अब हमें नेक्स्ट काम करना होता है कि जो लोकली चेंजेज है उसको पुश करना है हमारे इस रेपो पे, इस रेपोजिट्री पे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे गिट पुश और जो भी ओरिजिन और जो भी आपका ब्रांच का नाम है। मेरे केस में अभी अगर आप चेक करोगे ब्रांच, गिट ब्रांच अगर करते हो तो एक ही ब्रांच है विच इज़ अ मेन। आप यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हो, मेरे केस में एक ही ब्रांच है। सो इसी ब्रांच को जो मैं यूज करने वाला हूँ और यहाँ पे करूँगा गिट पुश ओरिजिन मेन। सो हमारा जो भी चेंजेज है वो वहाँ पे चला जाएगा। और इस साइड लेफ्ट साइड में अगर मैं यहाँ पे अभी रिफ्रेश करूँगा तो जो भी देखो चेंजेज होगा वो चेंजेज जो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इन द सेंस आपका जो भी फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ये तरीका है जिससे जो है हम अपने फाइल को जो अपलोड करते हैं। एक और तरीका है जो कि आप VS कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी जो भी हमने देखा है वो कमांड के थ्रू देखा है। सो नेक्स्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उनसे पहले यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे आओगे तो इन्होंने कुछ चीज़ें जो है हमें बोला था कि सबसे पहला चीज़ जो है आपको क्या करना है। ओके सो यहाँ पे आते हैं, होम पेज जो है हमें ऐड करना है। तो ये होम पेज जो है बेसिकली आप ऐड कहाँ पे करोगे, यहाँ पे सॉरी गिटहब पेज पे आना था हमें। सो ये होम पेज जो है हमें ऐड करना है। सो इसको कॉपी करता हूँ और चलेंगे VS कोड के अंदर, और VS कोड में जो है हमें ये ऐड कहाँ करना है। तो उन्होंने बताया था कि पैकेज जेसन के अंदर जो है आप आओ और यहाँ पे जो भी आपका प्राइवेट है जस्ट उसके नीचे जो है आप ये चीज़ें यहाँ पे पास करो। सो यहाँ पे जो है हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो ये चेंज करना होगा, विच इज़ अ माई यूजर नेम। सो यूजर नेम अब हमें कहाँ पे मिलेगा,
सो होम पेज बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे हमारा पेज जो है डिप्लॉय होगा, सो वो कैसे मैं ले सकता हूँ, तो यूजर नेम जो है आप यहाँ पे चेक करोगे, आपके ऊपर राउट पे जो है मिल जाएगा। सो ये मेरे केस में यूजर नेम ये है, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट करूँगा यूजर नेम की जगह। उसके बाद माई ऐप की जगह जो आपके रेपो का नाम होगा, जो भी आपने नाम दिया होगा, मेरे केस में जो है डिप्लॉय रिएक्ट ऐसा करके जो है रेपो का नाम है, सो इसको जो है मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। तो ये दो चेंजेस जो है आपको इस होम पेज के अंदर जो है करना होगा। सो एक टास्क जो है हमने कर लिया कंप्लीट, जो कि इन्होंने बोला था। सो पहला टास्क जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट जो है इन्होंने बोला है कि हमें दो काम और करना है, वन इज इंस्टॉल जीएस पेजेस। सो ये हमें यूज होता है कि हम इसके थ्रू जो है गिट के पेजेस को यूज कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। सो इसके लिए सिंपली आपको नथिंग फैंसी, आपको npm i और जो भी आपको कमांड इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हमें इंस्टॉल क्या करना है, तो जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने टर्मिनल को अगेन ओपन करके सिंपली पेस्ट करके इसको इंस्टॉल करेंगे। जब तक ये इंस्टॉल होता है, एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, अगर आप pn यूज कर रहे हो तो उसके साथ भी जो है आप सेम कमांड जो है यहाँ पे फायर कर सकते हो। तो मेरे केस में npm था, तो मैंने npm i इंस्टॉल किया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें कह रहा है कि ये आप जो है दो कमांड इसको ऐड करो कहाँ पे, तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर ही, स्किप ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, इनको गो थ्रू करना है, डिटेल में आपको बता रखा है, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट ऐड करके। तो इस दोनों कमांड को मैं कॉपी करूँगा और चलूँगा अपने पैकेज जेसन के अंदर। ऑलरेडी यहाँ पे आप चेक करो तो मेरा वो फाइल जो है यहाँ पे आ चुका है डाउनलोड होके, जो भी लाइब्रेरी था। सो स्क्रिप्ट जो है मेरा बेसिकली ये है। सो इसके जस्ट लास्ट में जो है मैं इसको ऐड कर देता हूँ और जो हमारा ये प्री डिप्लॉयड सॉरी ये एक्स्ट्रा आ रहा था, इसको जो है मैं रिमूव करूँगा। सो इन्होंने जो जो चीज़ें हमें बोला था वो चीज़ें हमने यहाँ पे कर ले। यहाँ पे ये जो हमारा कॉलन है वो कॉलन नहीं होने वाला है। सो नथिंग फैंसी, जो स्टेप इन्होंने बोला था वो हमने फॉलो कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो ये कह रहा है डिप्लॉय के लिए जो है सिंपली आप करो npm रन डिप्लॉय। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान देना है, चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे कोड में जो है कुछ चेंजेज हुआ है, वो चेंजेज आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो। सो दो चेंजेज हुए जो कि मैंने यहाँ पे किए, दो फाइल में जो है चेंजेज हुए, वन इज द पैकेज डॉट जेसन और एक लॉक में जो है दो फाइल में जो है चेंजेज हुए। तो इस दोनों फाइल को जो है मैं गिट पे ऐड कर देता हूँ। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे जो हमारा चेंजेस था उसको जो है स्टेज चेंजेस में लाएंगे, सिंपली प्लस करके जो हम गिट ऐड करके करते हैं, और यहाँ से सिंपली आप अपना मैसेज पास करोगे कमिट में आपको कौन सा मैसेज करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रॉड चेंजेस, जो प्रॉड के लिए चेंजेस होने वाला है वो, और कमिट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे सिंक आ जाएगा। अगर नया ब्रांच आएगा तो उनके केस में पब्लिश ब्रांच आएगा, और यहाँ पे आपको सेम ब्रांच में अगर आप कमिट डाल रहे हो तो सिंक चेंजेस आएगा, और इसको सिंक चेंजेस करोगे तो इसके थ्रू जो है अभी, क्योंकि VS कोड के अंदर जो है वो हमारा गिट ऑटोमेटिक लिंक है, तो अभी वो जो है वहाँ पर अपडेट कर दिया होगा। सो अभी आप गिट पे आते हो, यहाँ पे आके चेक करोगे, रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे तीन कमिट आपको मिलेगा, एक कमिट जो कि इनिशियल था और आफ्टर डेट जो है दो और कमिट जो है हमने यहाँ पे सेट किया, राइट। सो तीन कमिट जो है हमारे पास आ चुके हैं। तो दो तरीके हैं जिससे जो है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, आई मीन गिट पे जो है अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हो। सो यहाँ तक जो है आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट के प्रोजेक्ट में जो है रिएक्ट राउटर डोम यूज कर रहे हो तो ऐप डॉट जे एस पे आओगे, तो मेरे केस में यहाँ पे आप चेक करो तो रिएक्ट राउटर डोम जो है मैं यूज करूँ। सो ये स्पेशली उन्हीं के लिए जो कि रिएक्ट राउटर डोम जो यूज कर रहे हैं। सो अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, जो आपका राउटर वाला जो कंपोनेंट है जो आपने यहाँ पे पास किया, इसके अंदर आपको एक चीज और पास करना होगा, विच इज अ बेस URL। सो यहाँ पे नॉट बेस URL, बेस नेम। सो बेस नेम जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के केसेस में आपको डालना है जब आप रिएक्ट राउटर डोम जो है यूज करोगे। और यहाँ पे बेस URL क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आपने जो अपना रेपो का नाम दिया है बेसिकली वो हमारा जो है बेस URL होता है, क्योंकि जो GitHub का जो प्रोजेक्ट लैब होता है वो स्लैश और जो भी आपका रेपो का नाम है उस पर जो है वो डिप्लॉय होता है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा बेस नेम है यहाँ पे अपने रेपो का जो है नाम देना होगा। सो विच इज अ डिप्लॉय रिएक्ट, मेरे केस में यही था। तो एक चेंजेज और आया, तो इस चेंजेज को भी जो है हमें ऐड करना होगा गिट पे। तो सिंपली यहाँ से स्टेज पे लेके आऊँगा और ऐड बेस नेम ऐसा मैं इसके कमिट में भेजूँगा, सिंपली कमिट को यहाँ पे ओके करूँगा और चेंजेज को सिंक करूँगा। हर एक चीज़ हो चुका है और जस्ट लास्ट में जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने डिप्लॉय के जो कमांड हुई चीज़ है npm रन डिप्लॉय, इसको जो है यहाँ पे करना है। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और चलूँगा VS कोड के अंदर, एक नया टर्मिनल जो है ओपन करता हूँ। सो यहाँ से एक न्यू टर्मिनल लेते हैं और सिंपली यहाँ पे करूँगा npm रन बिल्ड। सो ऑलरेडी मेरे पास कमांड कॉपी, इंटर करूँगा। अगर आपका हर एक चीज़ सही होता है तो ये जो है डिप्लॉय कर देगा, सक्सेस का मैसेज आएगा
और कोई भी प्रॉब्लम आता है, एनीथिंग एरर अकर, तो वहाँ पे एरर जो है आपको देखेगा दिख जाएगा, और उस एरर को जो है आपको रिजॉल्व करना होगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो यहाँ पे ये डिप्लॉय हो रहा है, चेक करते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे फटे ना, हर चीज़ जो है सही से जाए। सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो देखो कंपाइल सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे दिस बिल्ड फोल्डर इज़ रेडी टू डिप्लॉय। सो इन्होंने एक चीज़ हर एक चीज़ जो है करके ऑटोमेटिक दिया, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये पब्लिश कर दिया है। सो जो हमने स्क्रिप्ट ऐड किया था पैकेज डॉट जेसन के अंदर, जो हमने यहाँ पे आप चेक करोगे प्री डिप्लॉय डिप्लॉय, सो ये बिल्ड ऑटोमेटिक जो रन होगा ये कमांड फायर करने के बाद। सो इन्होंने पब्लिश भी कर दिया है। सो जो हमारा गिट है इस पे ये सारे चेंजेस जो आ चुके होंगे। सो अभी नेक्स्ट काम क्या करना होता है हमें, कि इसको जो है गिटहब के पेज पे जो है हमें लाइव करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग पे आने के बाद आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जीएच पेजेज होना चाहिए, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपका जो पेज है वो लाइव हो चुका है। और सिंपली यहाँ पे विजिट साइट पे अगर आप क्लिक करते हो तो एक न्यू टैब में आ जाएगा। देखो सेम चीज़ है, लेकिन अब आपको एक यूआरएल मिल गया है। और यहाँ पे अगर होम पेज पे हो तो होम पेज होगा, अबाउट पे आओगे तो अबाउट पेज होगा, कॉन्टैक्ट पे आओगे तो कॉन्टैक्ट पेज होगा। सो ये जो है आपका बेसिकली, ये जो आपने देखा ये आपका एक बेस यूआरएल हो गया, और उसके बाद आपने जो भी राउट सेट किया होगा उसके बेसिस पे जो है वो आगे काम करेगा। तो ये एक प्रॉपर स्टेप है जिसके थ्रू जो है हम गिटहब के पेज पे अपना कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है लाइव कर सकते हैं। आई इज्यूम कि आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप जो है हमने हर एक चीज़ को फॉलो किया। कहीं कोई एरर आता है तो जस्ट कमेंट में, अगेन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर मैं या कोई जो है मिस करता है कि जीएस पेज जो होना चाहिए, अगर ये नहीं अगर सेलेक्ट है तो सिंपली इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है या कोई एरर आ रहा है तो जस्ट कमेंट में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी वीडियो के साथ।